हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर में डार्क थीम या फिर ब्लैक थीम को कैसे हम ऑन कर सकते हैं। अगर आप सभी भी अभी तक वाइट थीम को यूज़ कर रहे थे और अपनी थीम को है जो अभी ब्लैक थीम में है जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे थीम को चेंज किया जाता है, तो बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिग्नल एप्लीकेशन के बीच में से ही इस सेटिंग को करने के बाद हम अपनी थीम को चेंज कर लेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। और आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप सभी इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। और इसी के साथ दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। तो चलिए जानते हैं कैसे सिग्नल एप्लीकेशन में डार्क मोड को ऑन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिग्नल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, जिसके बाद आगे ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर अभी हमने जाना है इस एप्लीकेशन की सेटिंग्स के सेक्शन में, तो उसके लिए आप सभी को ऊपर ही सर्च बार मिल जाएगा। इसके साथ में आप सभी को राइट साइड में 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप सभी को यहाँ पर कुछ आगे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे नीचे आप सभी को सेटिंग्स ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आगे कुछ ऑप्शंस है जो आ जाती हैं। तो इन ऑप्शंस में आप सभी को 4th नंबर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अपीयरेंस का, इस पर क्लिक कर लेंगे, जिसके बाद आप सभी को 1st ऑप्शन मिल जाएगा थीम का, इस पर क्लिक करेंगे। और आप सभी जैसे कि देख सकते हैं पर लाइट थीम सेलेक्ट की हुई है, हम चाहते हैं यहां पर डार्क थीम इस एप्लीकेशन में, तो उसके लिए 2nd ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जिसके बाद आप सभी देख सकते हैं यहां पर सिग्नल एप्लीकेशन है जो हमारा डार्क थीम में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी भी जल्दी से इस सेटिंग को ऑन करने के बाद अपने सिग्नल एप्लीकेशन में डार्क थीम को इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को पता चल गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।